नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एआर सैनी फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सॉल्यूशन में, जहां अपन सॉल्व कर रहे थे वाइज प्रिंसिपल आईटीआई 2018 के पेपर सॉल्यूशन को, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए हेल्ड हुआ था आरपीएससी द्वारा 6 नवंबर 2019 को। अपन ने फर्स्ट पार्ट में आधे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, अब बात करेंगे अपन रिमेनिंग क्वेश्चन की जो पार्ट सेकेंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपन ने बात की थी कि टोटल जो मार्क्स थे और जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे आपका 100 क्वेश्चन, और जो टोटल मार्क्स थे वो भी 100 थे, यानी कि हर क्वेश्चन का जो था वो एक मार्क्स था, और जो नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपको हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और वो कौन देता है आपको, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा डेफिनेशन डीडीएल स्टेटमेंट, कौन सा नहीं है, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप, कौन सा देता है बोलो, सेलेक्ट जो है वो डीडीएल स्टेटमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल आपको दे रखी है जहाँ पे एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है और एक फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, आउटपुट पता करना है, रिप्रेजेंट अ बूलियन फंक्शन, कौन सा फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। देखो पहले ही एक्स है तो एक्स काम कर रहा है क्या, देखो जीरो तो जीरो आ रहा है, जीरो पे जीरो, वन पे वन, वन पे वन आ रहा है, तो एक्स तो बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई जो मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक भी वन आता तो रिजल्ट वन आना चाहिए, यहाँ पे वन आ रहा है बट रिजल्ट वन नहीं आ रहा है। ठीक है, वाई जीरो है तो जीरो आ रहा है, वन है तो जीरो आ रहा है, तो ये भी नहीं काम कर रहा है, और एक्स एक्स और वाई तो ये भी काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 630.4 आपको ऑक्टल नंबर दे रखा है, इसका डेसिमल पता करना है। डेसिमल कैसे पता करते हैं, इसका मल्टीपल कर दूं मैं 8^2 प्लस 3×8^1 प्लस 0×8^0 प्लस ये हो जाएगा 4×8^-1 से, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 6×64 प्लस ये 24, ये प्लस क्या हो गया बोलो 0, प्लस ये हो जाएगा कितना बोलो 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया 0.5। ठीक है, तो ये जब जोड़ेंगे अपन तो ये मुझे मिल जाएगा कितना बोलो 408.5 इसका जो आंसर आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आरएसए फाइ एन डैश इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, ये होता है आपका इसमें पी माइनस वन इनटू क्यू माइनस वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय टीसीपी फॉर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, इसमें होता है थ्री वे हैंडशेकिंग, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईएसडीएन इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क, और ये होता है सर्किट स्विच, डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी की प्रिपोजिशन कौन सी होती है, ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डेसिमल वैल्यू 0.25 जो डेसिमल वैल्यू है वो बाइनरी की इक्विवेलेंट की ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसका बाइनरी पता करना है आपको डेसिमल इक्विवेलेंट का, ये किसके बराबर होता है, तो अपन बाइनरी से डेसिमल की बात कर ले तो भी देखो क्या होगा 0.1, ये हो गया 0.1, ये है 0.01, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 0.01 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन वी यू विल एग्जीक्यूट द फॉलोइंग सी कोड, इसको जब चलाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा। पहला है इंट चेक, यहाँ पे देखो चेक इक्वल्स टू टू एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू टू ली है, स्विच चेक, चेक की वैल्यू आपको कंपेयर, और स्विच केस यूज़ किया है तो आपको डायरेक्टली कंपेयर करना है, यहाँ पे देखा टू, वन से मैच नहीं करेगा, टू से मैच करेगा, जैसे ही टू से मैच करेगा यहाँ पे जाएगा तो ऑप्शन क्या आएगा, mg.johnson, ये तो आपका आउटपुट आएगा, तो mg.johnson यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो है वो ब्रेक का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है और यहाँ तो ब्रेक वैसे भी नहीं होता है, तो जैसे ही ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ से भी आपका स्विच ऑन हो गया है वहाँ से आपके सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जब तक आपको ब्रेक नहीं मिलता है, वो ब्रेक दे रखा है, तो इसका मतलब mg.johnson भी आएगा, मोहम्मद आसिफ भी आएगा एंड एम मुरलीधरन भी आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज एन अनदर टर्म फॉर द पैकेट और डिजिटल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल इन्फॉर्मेशन की जो पैकेट है वो होता है डेटाग्राम। ठीक है, द टेक्निक वेयर बाई द डीएमए कंट्रोलर स्टील्स द एक्सेस साइकल्स ऑफ द प्रोसेसर टू ऑपरेट इज कॉल्ड साइकिल स्टीलिंग, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम लैंग्वेज, एक आई वेरिएबल दे रखा, आई मेरे पास पड़ा हुआ है सपोज, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लिया एड्रेस 100 है, इंट पॉइंटर, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया आपने पी नाम का, ठीक है, एम्परसेंड आई माना कि इसका एड्रेस 200 है, ठीक है, एम्परसेंड आई के एड्रेस को इसमें डाल दिया, मतलब 100 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये इसको क्या करने लग गया है, पॉइंट करने लग गया है।
नेक्स्ट स्कैन एफ है, पी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। पी का मतलब एक तरह से क्या हुआ है कि जब पी में ये डाल दिया है तो पी इक्वल टू एक तरह से क्या है बोलो एम परसेंट आई। तो ये पी और एम परसेंट दोनों सेम हो गया है। क्या मैं स्कैन एफ में यहाँ पे एम परसेंट आई होता तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है और है बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक वैल्यू स्कैन करेगा और कहाँ डाल देगा बोलो आई की ऊपर डाल देगा, यानी कि पी के पी जहाँ पॉइंट करा वहाँ डाल देगा और वहाँ डालेगा। ठीक है, वैल्यू मान लिया सपोज मैंने 5 डाली तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रिंट एफ परसेंट इस एंड आई प्लस 7 को प्रिंट करना। आई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस 7 कितना 12 हो गया। तो एक तरह से बोलो आई की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ से कहाँ से स्कैन हो के आएगी, वो कितनी हो सकती है पता नहीं है, तो जो स्कैन होगी इसमें 7 को जोड़ देना है तो आउटपुट आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन कंपाइलेशन फेल गलत है, एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स इन द रन टाइम एरर गलत है, ऑन एग्जीक्यूशन द वेल थर्ड है ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड एज 7 मोर देन द इंटीजर वैल्यू एंटर्ड, फोर्थ ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड इज 7 मोर देन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, थर्ड आंसर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन रीजन देर आर 6 थर्मल पावर स्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल लाइनिंग पॉसिबल एमंग द वेरियस पावर स्टेशन आर शोन द फिगर 1, 2, 3, 4, 5 तक 6 है ना, वहाँ तक आपको पावर स्टेशन दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफिकेशन रुपीज इन द क्रोड इन्वॉल्व अपीयर एज अ वेट ऑन द एज क्वेश्चन, ये एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पे पावर स्टेशन है और कॉस्ट आपको दे रखी है, एक तरह से ग्राफ का क्वेश्चन है। ऑप्टेन द मिनिमम पॉसिबल कनेक्शन कॉस्ट, मिनिमल पॉसिबल कनेक्शन कॉस्ट रुपीज इन द क्रोड एमंग द थर्मल स्टेशन। तो इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, मिनिमल पॉसिबल कनेक्शन क्या होगा, तो एक तरह से मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे आपको एक तरह से MST निकाल दे, मिनिमम जो क्या बोलते हैं इसको स्पैन एंट्री जो होती है मिनिमम कॉस्ट के लिए, वो अपन निकाल सकते हैं। तो वो जब सॉल्व करेंगे अपन के कनेक्शन होना चाहिए बट मिनिमल होना चाहिए, तो कितने एजेस है वो आपको मस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे MST की तो दो रूल होते हैं प्रिम्स और क्रिटिकल, तो आप प्रिम्स से भी निकाल सकते हैं इसको। प्रिम्स से जब निकालेंगे तो वहाँ पे जितनी नंबर ऑफ पेजेस है उनको एक तरह से ऑर्डर में लिख दो, फिर मैं इसको सॉर्ट कर दूँगा। जब सॉर्ट करते हैं तो उसके बाद में आप बात करेंगे कि जो मिनिमल है वो कौन कौन सी बोले, जैसे 5 है 5 ऐड हो जाएगी, फिर 6 ऐड होगी, 7 ऐड हो जाएगी, फिर 8 ऐड हो जाएगी और फिर अगेन 8 ऐड हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ से मुझे शायद कनेक्शन मिल जाएगा, देखो ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन यहाँ पे आया, उसके बाद ये कनेक्शन आएगा, उसके बाद बात करेंगे जीएस वाले ये कनेक्शन आ जाएगा और फिर जो है वो ये कनेक्शन हो जाएगा और फिर ये कनेक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे सारे के सारे जो नोड है वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये जो एजेस है वो कितनी, 8, 7, 15, 15 और 5, 20, 20 और 28, 28 और 34, 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
द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसका पोस्टफिक्स आपको निकालना है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, कोशिश कर लीजिए घर पे। ठीक है, सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला पार्ट होगा, तो ये जो पार्ट होगा तो क्या हो गया, सी डी प्लस ये हो जाएगा, क्लियर है। और जब इसके बाद बात करेंगे मल्टीपल और डिवीजन है, तो मल्टीपल जो है और डिवीजन दोनों में से कोई सा भी पहले हो सकता है, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। तो एक तरह से बोलो बी होगा और ये क्या आएगा, बोलो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, तो डिवीजन किसके बीच में, एफ है, तो ये एफ और फिर क्या आएगा, बोलो डिवीजन यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद में ये अलग से सॉल्व होगा, और अलग से सॉल्व होगा तो ये क्या हो गया, डी ई और एस टी अलग से सॉल्व हो जाएगा। ये एक पार्ट पड़ा हुआ है, इसके बीच में पड़ा हुआ है प्लस, और यहाँ पे एक पार्ट ए और प्लस पड़ा हुआ है। पहले इस प्लस को सॉल्व करूँगा, तो ये हो जाएगा कितना, बोलो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी तो पहले आएगा आएगा, तो देखो ऑप्शन ए की दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही है, ए बी सी डी प्लस, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई एफ डिवाइड प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई एफ डिवाइड और प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी एस टी हो जाएगा, और फिर ये ऊपर से एक और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द वर्स्ट केस द नंबर ऑफ कंपेरिजन नीडेड टू सर्च अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ द लेंथ एन फॉर द गिवन एलिमेंट, तो सिंगल लिंक लिस्ट में जी एन एलिमेंट्स है उनको आपस में, यदि मुझे लिनियरली सिक्वेंस सर्चिंग करनी है तो फिर वहाँ पर एन की सर्चिंग आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, सी का एक क्वेश्चन दे रखा है, इंटीजर आई एक वेरिएबल है आई नाम का, ठीक है, इफ़ द प्रिंट एफ ओ जीरो या ओ जो भी है, प्रिंट एफ एक लिखा है, तो प्रिंट एफ यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, और प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, इफ़ के अंदर लिखा है, इसका मतलब प्रिंट एफ फंक्शन हमेशा क्या करता है, उसकी जब भी किसी बॉडी के पास जाता है जो अपने पास में एस टी डी आई डॉट एच के अंदर पड़ी होती है,
ये फंक्शन जब भी कॉल करके जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो भी उसको प्रिंट करता है और वहाँ से एक वैल्यू को रिटर्न करके भी लाता है, और वो वैल्यू होती है किस टाइप की, बोलो इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, एंड इट इज़ इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पास स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग पास की है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, कितने कैरेक्टर बोलो वन, तो जो यहाँ से रिजल्ट वापस आएगा वो कितना आएगा बोलो वन आएगा। तो एक तरह से ये बोलो कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट इफ के अंदर वो हो गया कितना बोलो वन, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है जीरो या वो जो भी है वो प्रिंट भी होगा, तो प्रिंट हो गया है तो इसका मतलब दो ऑप्शन ही इसके सही दिख रहे हैं, ये और ये, लेकिन आगे देखते हैं। और यहाँ पे वन आ गया, वन आने का मतलब कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अंदर यहीं पे जाएगा मगर एल्स में नहीं जाएगा, आई की वैल्यू कितनी जाएगी बोलो थ्री हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर आ जाएगा, यहाँ पे आई को प्रिंट किया तो फिर ऑप्शन डायरेक्टली क्या होगा ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिगम, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिगम कौन सी नहीं होती है, वाटरफॉल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल भी होता है, मतलब जेनरिक मॉडल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SRS सिस्टम डिजाइन टेस्टिंग एंड नन, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिजाइन टेस्टिंग, तो मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। या नेक्स्ट है, कंसिडर अ बाइनरी मैक्सिव इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरे रिप्रेजेंट अ बाइनरी मैक्सिव, बाइनरी मैक्सिव का मतलब क्या होता है कि जो नॉड वैल्यू होती है और जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, नॉड वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट देयर चाइल्ड, चाइल्ड से हमेशा बड़ा या बराबर रह सकता है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बड़ा बराबर रहेगा तो देख लेते हैं यहाँ पे, और ध्यान रखना हिप के अंदर हमेशा जो बनता है वो लेवल बाय लेवल एक ट्री बिल्ड होती है, और वो भी कैसे कंप्लीट ट्री की तरह, कंप्लीट का मतलब पहले लेफ्ट भरेगा फिर राइट भरेगा। तो यदि मैं बात करूँ इस ट्री की पहले, तो ये क्या होगा बोलो, ये 25 है, 25 के लेफ्ट में 12 आएगा, फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 13, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना है 14 आ जाएगा। तो देखो 25 के दोनों चाइल्ड छोटे हैं, 12 के गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बोलो, 25, 16, फिर 12 है, फिर यहाँ पे देखा 13, और फिर यहाँ पे 10 है, ठीक है, ये 8 और ये 14 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट की, 25 है, फिर यहाँ पे 14 है, ठीक है, 16, फिर यहाँ पे 13, फिर ये 10 है, ये 8 और ये 12 है, तो ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। फिर भी फोर्थ एक बार और चेक कर लेते हैं, 25 है, फिर ये 14 दिया है, ये 12 है, ठीक है, 13, ये 10, ये 8 और ये 16 आएगा, तो ये भी गलत है, तो ये क्या हो गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज़ द टेक्निक यूज फॉर द डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन द डेटा सेट एट द बिगिनिंग ऑफ डेटा माइनिंग प्रोसेस, और इसका आंसर हो जाएगा विजुअलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन द स्मॉल टेस्ट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स डेट हैव बीन डेवलप्ड, ओनली यूजेज द कंपोनेंट डेट फॉर्म द पार्ट ऑफ द लाइन सिस्टम, टेस्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स एंड सब सिस्टम, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक फंक्शन डिपेंडेंसी आपको दे रखी है, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉट इम्प्लाइड बाय द अबव सेट, इसमें से कौन सा इम्प्लाइड नहीं होता है, तो आपके फिर क्लोजर सेट आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे बात करेंगे CD की, तो CD का जो क्लोजर सेट है वो क्या आएगा बोलो, CD जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, फिर CD से क्या मिल जाएगा बोलो E मिल जाएगा, और फिर E से वापस क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा, A से आपको B मिल जाएगा, तो मतलब ABCDE सारे के सारे मिल रहे हैं। पूछा क्या है, AC मिलेगा क्या, AC मिलेगा, ठीक है, तो ये तो है करेक्ट, आपको यहाँ से नॉट पूछा है। नेक्स्ट देख लेते BC का जब क्लोजर सेट अपन बात करेंगे, तो एक तरह से BC तो हो गया होगा, और BC से आपको क्या मिलेगा, तो BC से देखो अलग अलग तो होगा नहीं मेरे पास में, ठीक है, तो BC से BC, और फिर क्या है देखो, B से क्या मिलेगा बोलो, D मिल जाएगा, ठीक है, और फिर बात करेंगे CD, और CD से मुझे मिल जाएगा E, और E से मुझे मिल जाएगा A, मतलब ये भी आपका पास में होगा। नेक्स्ट है BD, और BD का जब क्लोजर निकालेंगे अपन, तो क्लोजर में B और D तो आएगा, बी से इंडिविजुअल क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, और फिर BD से कुछ नहीं आ रहा है, और डी से इंडिविजुअल कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यही मिलेगा, मतलब ये नहीं है। और नेक्स्ट है AC का क्लोजर जब निकालूंगा, तो A और C तो हो गए होगा, A से मुझे मिल जाएगा B, A से मुझे मिल जाएगा C जो ऑलरेडी है, B से मुझे मिल जाएगा D, और फिर मेरे पास CD से मुझे मिल जाएगा E मिल जाएगा, तो ये भी होगा, तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्विक शॉट एल्गोरिथम इज बेस्ट ऑन, डायरेक्ट आंसर इसका डिवाइड एंड कॉनक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की, इफ द पी एंड क्यू इन RSA एनक्रिप्शन हैव द वैल्यू 7 and 7, तो ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है ED इक्वल्स टू, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, 1 मोड
पी माइनस वन और ये होता है क्यू माइनस वन, ठीक है। ई और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपके पास में हो जाएगा पब्लिक के लिए, ये प्राइवेट की के लिए हो जाएगा। वन मोड पी माइनस क्यू और पी की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि वन मोड आपको हो गया कितना 6 × 6 = 36, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें 36 का भाग देने पे वन रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात में बात बोलूँ मैं तो, यहाँ पे देखो इक्वेशन जब बात कर रहे हैं तो मेरे को तो इसमें से कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो 5 × 72 करूँगा मैं तो भी वन मोड आपको रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है, 6 × 7 = 42 मिलेगा तो यहाँ भी नहीं मिलने वाला है, 5 × 7 = 35 है ना, तो यहाँ भी मेरे ख्याल से आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, आंसर लग नहीं रहा है तो ऑप्शन या तो क्वेश्चन गलत लग रहा है, ठीक है, या फिर ऑप्शन इसका डी होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए, फिर भी आप एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। और भी हो सकता है कि इस मेथड के अंदर कुछ मुझे डाउटफुल लग रहा है यहाँ पे, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पर रख दीजिएगा, ठीक है, और यदि आपको आता है तो इसको सॉल्व करके मुझे भी इसका आंसर जो है वो आप एक बार बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनालिसिस मेथड, तो इंजीनियरिंग मेथड कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पे बोच जैकसेव जैकबसन रोमबर्ग रीजन, ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द वाटरफॉल मॉडल, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज द UDP एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, UDP को एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन यूज करता है, बोलो DNS, ठीक है, वो इसका आंसर हो जाएगा। द एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड, वो होता है थ्रूपुट, ठीक है। नेक्स्ट, बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस इज डन थ्रू द बाउंड्री वैल्यू, जो एनालिसिस किसके थ्रू होता है, ब्लैक्स जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो ये काम करता है। नेक्स्ट है, रिलेशंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स का जो रिलेशन है वो होगा आपका सो मैनी टू मैनी, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक कोर्स को अटेंड कर सकते हैं और एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे कोर्स को अटेंड कर सकता है, ठीक है, तो मैनी टू मैनी रिलेशन होगा। द फोर फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन आर, वो होती है डिलीवरी होती है, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, बट नॉइज नहीं होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है, डिलीवरी होगा, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड फिल्टर, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉल भी नहीं होता है ना, तो ये तो वैसे भी नहीं है। नेक्स्ट है, कंसिडर द थ्री प्रोसेस P1, P2 एंड P3, P1, P2, P3 आपको प्रोसेस दे रखे हैं, अराइवल टाइम दे रखा है, टाइम यूनिट रिक्वायर्ड आपको दे रखी है। द कंप्लीशन अंडर द थ्री प्रोसेस इज अंडर द FCFS विद द CPU क्वांटम ऑफ 2 टाइम यूनिट्स, देखो FCFS दे रखा है और साथ में CPU का क्वांटम दे रखा है, तो ये तो मुझे कोई सिग्निफिकेंस लग नहीं रहा है, क्योंकि राउंड रॉबिन होती तो क्वांटम की बात कर रहे होते हैं अपन, तो यहाँ पे FCFS है तो एक तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया है, तो मेरे ख्याल से P1, P2 और P3 इसी ऑर्डर में आना चाहिए, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, फिर भी आप इसका आंसर मुझे एक बार आप अपने हिसाब से सॉल्व करके मुझे दे दीजिए एज ए कमेंट के रूप में। नेक्स्ट है, जावा प्रोवाइड्स अ मॉनिटर लाइक कॉन्करेंसी कंट्रोल फॉर द थ्रेड, डायरेक्टली मैंने आंसर ही बोल दिया, सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, बोलो थ्रेड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड के सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर कौन कौन से होते हैं आपको डायरेक्टली पता है, एरे होता है, स्टैक होता है, ट्री ग्राफ नहीं होता है, तो डायरेक्टली फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री, इसका प्री ऑर्डर आपको निकालना है, प्री ऑर्डर क्या होता है बोलो, प्री ऑर्डर का मतलब होता है नॉड फिर लेफ्ट फिर राइट होता है, तो नॉड कौन ए है, तो सबसे पहले ए ही आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, फिर प्री ऑर्डर के बाद ए, ए के बाद बी आएगा, क्योंकि इस सब ट्री का जो पहले कौन है बी आएगा, फिर जब लेफ्ट में जाऊँगा तो इस सब ट्री का कौन आएगा बोलो डी आएगा पहले, फिर कौन आएगा बोलो एच आ जाएगा, तो क्या होगा ए बी डी, ठीक है, फिर H और उसके बाद क्या आएगा बोलो I आ जाएगा, तो A B D H और I, तो ये आपको कौन है बोलो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसी में करेक्ट आंसर आपको लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसेज 1100101 इज टू बी ट्रांसमिटेड यूजिंग CRC पॉलीनोमियल, एक क्वेश्चन दे रखिए पॉलीनोमियल, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एरर्स द मैसेज शुड बी ट्रांसमिटेड इज, तो इसमें आपको एक इक्वेशन है इसको भी बाइनरी में लेके आना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो जाएगा इसका 2, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और यदि पूरा रिजल्ट देखना है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के लिए एनालिसिस इंजन, अलर्ट डेटाबेस, तो यहाँ पे मुझे तो दोनों ही लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी कॉस्ट मे बी डिवाइडेड इनटू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड, और थर्ड होता है फिर मेरे पास फेलर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, द डी इज डी ई एस
एल्गोरिथम है की लेंथ ऑफ, वो होता है कितना, 64 बिट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सारे क्वेश्चन का सॉल्व किया है, मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन और रहे होंगे। ठीक है, और वो अपन अलग से वीडियो में लाएंगे या फिर कमेंट के रूप में दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और आपके जितने भी टोटल मार्क्स बनते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो अपन इसके लिए इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप मुझे वो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए।